हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 60 रुपये का डिविडेंड। आप कहोगे अरे वाह क्या बात है, फिर से डिविडेंड और वही इतना बड़ा अमाउंट, कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है। देखिए इस पूरे ग्रुप की तो बल्ले बल्ले हो रखी है और इस बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो और भी बल्ले बल्ले। तो चलिए बात करते हैं कौन से ग्रुप का ये स्टॉक है। जबरदस्त स्टॉक है मैं कहूँगा, और भारी भरकम स्टॉक, जबरदस्ती नहीं भारी भरकम स्टॉक। चलिए बात करते हैं डिविडेंड और साथ में रिजल्ट कैसा रहा, टेक्निकल फंडामेंटल्स पे भी थोड़ा नज़र डालते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए 60 रुपये का डिविडेंड पिछले साल भी दिया था और इस साल भी 60 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नाम है कंपनी का बजाज ऑटो लिमिटेड। आज की डेट 17 मई 2019, रिजल्ट डिक्लेयर किया है, साथ में बढ़िया डिविडेंड। अब आप सोचेंगे भैया इस ग्रुप, अभी कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया था, इतना बढ़िया, बजाज फिनजब और बढ़िया, बजाज ऑटो, मतलब बजाज के शेयर तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में बजाज फाइनेंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और उसी तरीके से अब बजाज ऑटो 60 रुपये का डिविडेंड अल्टीमेट, चलिए अच्छी बात है। आज का अगर आप बजाज ऑटो का डिटेल देखें तो देखिए 97 रुपये का उछाल, 3.5%, 3,000 के लेवल को पार कर गया बजाज ऑटो, बढ़िया भैया। रिजल्ट कैसा रहा वो देखते हैं। अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट 1220 करोड़ से बढ़ के 1409 करोड़ रहा, 42 करोड़ का अर्निंग, 42 रुपये का अर्निंग पर शेयर बढ़ के 49 रुपये हो गया। देखिए 15% यहाँ पे भी जंप देखने को मिला, और 40 रुपये पिछले क्वार्टर में, ये मार्च क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर था वो 48-49 हो गया, यहाँ पे 1200 से नेट प्रॉफिट बढ़ के सीधे से 1408 हो गया, 19% का जंप। बड़ा शेयर है लेकिन फिर भी देखिए पूरे साल का प्रॉफिट 16% के हिसाब से बढ़ा है, बढ़िया बेहतरीन मैं कहूँगा, जो पूरा साल का प्रॉफिट बढ़ा है। अब लेकिन इस स्टॉक के अगर आप डिटेल्स देखें, फंडामेंटल अगर आप देखें, आज की डेट में कितना हो गया, 3040 के आसपास से पहुँच गया है। बुक वैल्यू 705 की है, पी रेशियो 18-19 का है, जीरो डेट की कंपनी है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कितना, 88,000 करोड़ का। बड़ा शेयर, बड़ा हाथी शेयर है। अर्निंग पर शेयर 162 के आसपास है। इंट्रिंजिक वैल्यू देखिए आप इसकी, 7500, 3000 का शेयर 7500 की इंट्रिंजिक वैल्यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा डाउन जरूर है लेकिन ये स्टॉक देखिए बढ़िया ग्रो कर रहा है, थोड़ा डाउन जरूर आया, नीचे आया लेकिन फिर वापस ग्रो करने लग गया, और आज की डेट में अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला। आज पूरे वीकली कैंडल क्लोजिंग का दिन था लेकिन इस स्टॉक ने देखिए जो 2400 का लेवल था उससे उछल के अब ये 3000 के लेवल पे ट्रेड करने लग गया। रिजल्ट देखा आपने इसका, डिविडेंड देखा, अगर आप डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो हर बार बढ़िया डिविडेंड दिया है इसने, और हर साल मई में ये जरूर डिविडेंड देता है 50-60 रुपये के आसपास। तो बढ़िया डिविडेंड, बेहतरीन डिविडेंड। टेक्निकल लेवल पर अगर आप देखोगे मैं कहूँगा अभी भी ये शेयर बिल्कुल अपनी ये जो ट्रेंड, एक नीचे वाली बॉटम लाइन थी वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बीच में डाउन जरूर आया था और अपने हॉरिजॉन्टल लेवल या सपोर्ट यहाँ पर लिया था, लेकिन अभी भी इसका जो हाई रेंज है वो 4000 की रेंज में कहूंगा, 4000 को पार करने की रेंज हाई रेंज है। यहां से अभी भी आपको 1000 रुपये के हिसाब से इसका टॉप बचा हुआ है। तो आप खुद देखिए ये कौन सा शेयर है, बजाज ऑटो, 60 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इतना बड़ा शेयर और बढ़िया रिजल्ट मैं कहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।